क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल बीकर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर कंटेनिंग सम वाटर। ठीक है, देखिए बच्चों, मार्बल्स हैं और कितने मार्बल्स हैं ये हमें नहीं पता। ठीक है, और ये मार्बल्स कैसे हैं आपके, स्फेरिकल शेप के हैं। तो देखिए ये मार्बल्स हैं, एक मार्बल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मार्बल हैं, इनका डायमीटर कितना है बताइए, 1.4। तो ये पूरा डायमीटर कितना है मार्बल का, डी एम मतलब डायमीटर ऑफ मार्बल आप समझ लेना। ठीक है, कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस मार्बल का रेडियस कितना हो जाएगा बताइए, रेडियस ऑफ द मार्बल आर एम मतलब रेडियस ऑफ द मार्बल 1.4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, भाई डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो रेडियस आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, 0.2 सेंटीमीटर। करेक्ट, चलो बहुत बढ़िया, सॉरी 0.2 नहीं, 0.7 होना चाहिए। ठीक है ना, बिकॉज 2 7 14 होता है ना, तो 0.7 सेंटीमीटर। करेक्ट, अब देखो बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहे हैं कि ये मार्बल है उठा के हमने कहाँ डाला, सिलेंड्रिकल बीकर में। ठीक है, तो बना लेते हैं, ये देखिए ये एक सिलेंड्रिकल बीकर है। करेक्ट, तो ये सिलेंड्रिकल बीकर है कंटेनिंग सम वाटर। अब इसमें बच्चों देखिए कुछ वाटर था, थोड़ा पानी था इसमें, तो इसमें सपोज इस लेवल तक अभी पानी था। करेक्ट, ये पानी पूरा ऐसे भरा हुआ है। ओके, ये पानी है, ये सिलेंड्रिकल बेस है और इसमें वाटर कुछ भरा हुआ था। अब आप बच्चों एक बात बताइए, खुद दिमाग लगाइए, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, अगर ये मार्बल उठा के मैं इसमें डालूं पानी ऊपर आएगा, सही है ना। तो अभी ये लेवल वन है मान लो, अभी यह ज़ीरो लेवल है, इस ज़ीरो लेवल से पानी थोड़ा सा उठेगा, ये लेवल वन तक आएगा। ठीक, फिर एक और मार्बल डालोगे थोड़ा सा और लेवल उठेगा, फिर एक और मार्बल डालोगे। क्यों, जब आप मार्बल डालते हो अंदर तो मार्बल क्या करता है, अपने ही वॉल्यूम के इक्वल पानी डिस्प्लेस कर देता है। जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ एयर है, हवा है, ठीक, हवा का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कितने पार्ट में, मेरी बॉडी का भी वॉल्यूम है। तो जब मैं यहाँ से चल के यहाँ आऊँगा, ये ऐसे मैं यहाँ आ गया, तो मेरी बॉडी ने क्या किया, मेरी बॉडी का जितना वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम का एयर डिस्प्लेस कर दिया। ठीक इसी तरीके से जब इस मार्बल को उठा के मैं इसमें डालूंगा तो मार्बल का जो भी वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम का पानी वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस मतलब वहां से हटा देगा, वो पानी उठ के कहाँ आ जाएगा, ऊपर, सही है। तो देखिए बच्चों, इसमें आपने मार्बल डालना शुरू किया, ठीक है, एक मार्बल डाला पानी थोड़ा सा ऊपर आएगा, नेक्स्ट मार्बल डाला पानी थोड़ा सा ऊपर आएगा, नेक्स्ट मार्बल डाला पानी थोड़ा सा ऊपर आएगा। सपोज आपने इसमें कितने मार्बल्स डाले, एन मार्बल्स। सपोज आपने इसमें कितने मार्बल ड्रॉप किए, एन मार्बल्स, एन स्फेरिकल मार्बल्स, एन स्फेरिकल सॉरी एन स्फेरिकल मार्बल्स आपने इसमें ड्रॉप किए, सही है। अब बच्चों जब आप इसमें एन स्फेरिकल मार्बल ड्रॉप करोगे तो पानी का लेवल सपोज यहां से जहां पे हमने निशान लगाया जीरो लेवल से बढ़ के यहां तक आ जाता है, मान लो पानी यहां तक आ जाता है, ठीक है, इस लेवल तक, ये इतना, ये देखिए, ठीक है, इतना पानी ऊपर चढ़ गया। अब एक बात बताओ बच्चों, ये जो वाटर ऊपर चढ़ा है, इतना जो वाटर ऊपर आपका चढ़ा हुआ है, ओके, ये जो राइज हुआ है वाटर, सपोज कितना राइज हुआ, एच हाइट तक, सपोज कितना राइज हुआ, एच हाइट तक। तो बच्चों एक बात बताओ, आप सिर्फ इतने पोर्शन को देखिए, ये देखिए इतने पोर्शन को, जितना वाटर राइज हुआ ना ये एच हाइट तक, सिर्फ इतने पोर्शन को देखिए आप, सिर्फ इतने पोर्शन को आप देखिए, सिर्फ इतने पोर्शन को आप लोग देखिए, ये देखिए आपको एक सिलेंडर नजर आ रहा है, नाम मैं रख दे रहा हूँ ए बी सी डी, ए बी सी डी वाले डायग्राम को देखिए, दिख रहा है, ए बी सी डी वाला जो डायग्राम है वो भी कौन से शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, और इसमें वाटर है ये, तो ये वाला जो वाटर का वॉल्यूम होगा ये किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, ये वाटर क्यों ऊपर आया सोचो, क्योंकि आपने इसमें n स्फेरिकल मार्बल्स डाले हैं, तो n स्फेरिकल मार्बल्स का जो वॉल्यूम होगा वही तो इस वाटर का वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा बताओ, ठीक है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों सॉल्यूशन में, ध्यान से अगर आप चेक करें तो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द, आप चाहो तो ऐसे डायग्राम भी दिखा सकते हो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वॉटर Which rises with rises up to height h, up to height या फिर up to the level
और लेवल क्या दिया बच्चों, कितना राइज हो जाता है वाटर, वाटर राइजेस बाय 5.6 सेंटीमीटर। तो ये हाइट कितना दिया बच्चों आपको, कितना वाटर राइज हो जाता है यहाँ, 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला हाइट जो है आपको कितना दिया हुआ है, 5.6 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमने यहां पर क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच राइजेस अप टू द लेवल बाय 5.6 सेंटीमीटर। जितना पानी 5.6 सेंटीमीटर तक उठ जाता है उसका जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, वन मार्बल का जो वॉल्यूम होगा उसको आप n से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपने इसमें कितने मार्बल्स डाले हैं, n मार्बल्स डाले हैं। तो हर एक मार्बल पानी हटा रहा होगा ना, हटा रहा होगा, तो n मार्बल्स का जितना भी वॉल्यूम होगा, n मार्बल्स के उतना ही, n मार्बल्स, n की वैल्यू ही तो निकालनी होगी इस क्वेश्चन में हमें। पढ़ लो, फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू द वाटर या इनटू द बीकर सो दैट द वाटर लेवल राइजेस अप बाय 5.6 सेंटीमीटर। तो n मार्बल्स का जो वॉल्यूम होगा वही तो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर। तो यही हमने किया कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर राइजेस अप टू लेवल बाय, या अप टू लेवल बाय नहीं लगाना चाहिए था हमें, अप टू लेवल 5.6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एन इनटू वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल। अब तो बहुत इजी हो गया, यहाँ पे सारी वैल्यूज रखते जाइए और आपको आंसर आपका खुद पे खुद मिल जाएगा। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच राइजेस अप टू लेवल 5.6 सेंटीमीटर, यानी कि देखिए इतने वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, बस आपको ए बी सी डी वाला सिलेंडर देखना है, हाइट तो 5.6 है, और क्या सिलेंडर का रेडियस आपको दिया हुआ है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्या यहाँ पर आपको सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है, कैसे, क्योंकि आपको बोला है इनटू अ सिलेंड्रिकल बीकर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो सिलेंड्रिकल बीकर था, ये जो सिलेंड्रिकल बीकर था ना हमारा, ये वाला से बीकर, इसका डायमीटर कितना दिया होता है, सिलेंड्रिकल बीकर डीबी मतलब डायमीटर ऑफ बीकर 7 सेंटीमीटर था, तो रेडियस ऑफ बीकर कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। 7 को 2 से डिवाइड कर दो, इस डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, रेडियस आ जाएगा। तो इस बीकर का रेडियस कितना है, 3.5, तो ये रेडियस भी कितना हो जाएगा, 3.5, बिकॉज ये वाला जो सर्कुलर शेप है ये सिमिलर है इसी के, सिमिलर क्या, सेम है, तो रेडियस यहाँ पे कितना लेना है हमें, 3.5, करेक्ट। हाँ तो जरा बताइए, यहाँ पर ये जो वाटर राइज हुआ इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये सिलेंडर शेप का लग रहा है तो इसका वाटर, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर आर कितना लेना है, 3.5, और एच कितना लेना है आपको, 5.6, सही है, रखते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 3.5 स्क्वायर इंटू एच की जगह 5.6 इज इक्वल्स टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल। मार्बल कैसा है बच्चों बताइए, स्फेरिकल शेप का है ना, तो वॉल्यूम ऑफ द मार्बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और आर कितना लेना है, मार्बल का रेडियस हमने निकाल रखा है कितना है, 0.7, तो 0.7 का क्यूब, करेक्ट। अब करना कुछ नहीं, यहाँ से n की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। इतना सभी बच्चे कॉपी करें, कॉपी कर लीजिए बच्चों, कर लिया, हटा दें, चलिए। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब भी कुछ मार्बल्स आपको किसी भी कंटेनर में डालने हो, तो जो भी कंटेनर होगा जितना वाटर राइज करेगा ना, उस राइज वाले वाटर का जो वॉल्यूम होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल के इक्वल रख दीजिए, एन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चों, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आप तो सॉल्व कर लोगे, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, ध्यान से करो। अब देखो, राइट वाले को लेफ्ट में लिख रहा हूँ, लेफ्ट वाले को राइट में, आपको दिखाने के लिए। तो एन इंटू कितना बचा, 4/3 इंटू 0.7 का क्यूब इज इक्वल्स टू 3.5 का स्क्वायर इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू 5.6, ओके। तो यहाँ से सॉल्व अगर हम लोग करें तो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो 3.5 का स्क्वायर इंटू 5.6। अब देखो बच्चों, n के साथ ये 4 और 0.7 का क्यूब मल्टीप्लाई में थे, तो ये कहाँ जाएंगे, नीचे। तो 4 इंटू 0.7 का क्यूब और ये 3 डिवाइड में था, तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 3.5 का स्क्वायर, यानी कि 3.5 इंटू 5.6, तो इंटू 5.6 इंटू 3 और अपॉन में 4 इंटू 0.7 का क्यूब, मतलब 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7,
करेक्ट। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये पीछे से एक डिजिट पे पॉइंट लगा है, तो यहां से पॉइंट हटा सकते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 7 1 7 और 7 5 35। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला पॉइंट इससे हट जाएगा, 7 1 7 और 7 5 क्या होता है 35। ठीक, अब देखिए पीछे से एक डिजिट पे क्या लगा हुआ है पॉइंट, यहाँ से भी, तो ये वाला पॉइंट से पॉइंट हटा, यहाँ 56 बचेगा, यहाँ 7 7 1 7 7 8 56। ओके, अब देखिए 4 1 4 और 4 2 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, फिर 2 3 6 और 5 × 5 कितना होता है 25, तो यानी कि 5 × 5 25 इंटू 6 3 2 6 6 × 25 कितना हो जाएगा आई थिंक 150। ठीक है, तो 150 क्या मार्बल्स। ठीक है, तो इस कंटेनर में हम, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में हम टोटल 150 मार्बल्स डालेंगे, तो इसका वाटर का लेवल कितना राइज हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। कैसे मार्बल्स, जिन मार्बल्स का डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। ओके, कर लीजिए।